गांधीनगर बंदखारो बाजार में निकाला गया भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में बुलडोजर जुलूस। 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचंड रूप से जीत दर्ज की गई है। जनता ने प्रचंड जनादेश देकर यह स्पष्ट कर दिया कि जनता को सिर्फ भाजपा के नेतृत्व पर भरोसा है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विश्वास वाली विचारधारा एवं जन कल्याणकारी नीतियों और कुशल नेतृत्व की वजह से जनता ने प्रचंड रूप से बहुमत देकर सम्मानित किया। जहां बागोदर भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक नागेंद्र महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर विजय जुलूस किया। सरिया प्रखंड के दोनों मंडल में से एक सरिया पूर्वी कोयरीडीह मंडल के अंतर्गत बंदखारो गांधीनगर बाजार में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विजय बुलडोजर जुलूस निकाला गया, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए गुलाल अभी लगाया गया। वहीं नौजवानों की टोली द्वारा गूंज रहा है 3 ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस जुलूस के नेतृत्व में जिला परिषद सदस्य अर्जुन प्रसाद आर्य कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे छोड़कर अपनी जीत की खुशी का इजहार किया। इस मंडल के उपाध्यक्ष छोटी मंडल और फिर लक्ष्मण मंडल ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव परिणाम ने तय कर दिया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव मोदी योगी के नेतृत्व में ही बनेगी। यूपी चुनाव परिणाम महज सेमीफाइनल की जीत है, फाइनल मैच लोकसभा चुनाव में हम लोगों की ही जीतेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे और भाजपा की जीत होगी। विजय जुलूस डीजे के धुन पर नाचते गाते हुए पूरे बाजार में भ्रमण करते हुए रेलवे फाटक के पास संपन्न हुआ। इस विजय जुलूस में सांसद प्रतिनिधि डुगलाल महतो, रामजी मंडल, बजरंग दल के पंचायत अध्यक्ष बलदेव महतो, आकाश मंडल, दीपक कुमार, संतोष पुहर, मोहन कुमार, राजेश महतो, मुकेश ठाकुर, संतोष सिन्हा, राजेश पासवान के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। इंडिया रिपब्लिक के लिए ब्यूरो चीफ रवि सिंह की खास रिपोर्ट।